This call is now being recorded. बुद्ध पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़े हुए सभी कॉलेजेस की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की ये चर्चा भगवान बुद्ध के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनसे उनके बुद्धत्व को वो कैसे हमें प्रेरित कर सकता है और कैसे हमारी बुद्धि का विस्तार कर सकता है कि वो बुद्धि जो है वो विश्वव्यापक हो जाए, ऐसे सब पक्षों को जानने समझने के लिए आज हमने ये चर्चा आयोजित की है और इस चर्चा के माध्यम से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम अर्पित करते हैं। सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डिकोडिंग लॉर्ड बुद्धा इन 21st सेंचुरी, ए संस्कृत शास्त्रीय पर्सपेक्टिव, 21वीं शताब्दी में भगवान बुद्ध का निष्कूटन, संस्कृत शास्त्रीय दृष्टिकोण। ये निष्कूटन शब्द शायद आपको थोड़ा सा अजीब तो लग सकता है, लेकिन इसके समकक्ष और कोई शब्द डिकोडिंग के अर्थ में, संदर्भ में और कोई उपयुक्त मिला भी नहीं। लेकिन निष्कूटन में हम बुद्ध के उन सभी आयामों को, उन सभी स्तरों को, उन सभी पक्षों को देखने और सोचने का, समझने का प्रयास करेंगे कि ये पता लग जाए कि बुद्ध का बुद्धत्व है क्या वस्तुतः, वो कौन से बुद्ध के तत्व हैं जो बुद्ध को बुद्ध बनाते हैं। तो ऐसे महात्मा बुद्ध, ऐसे भगवान बुद्ध के प्रति, उनके विषय के प्रति, उनका जो ज्ञान के प्रति आग्रह है, उसको आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख सकते हैं, जो एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पर उनको हमने प्रस्तुत किया है। इहासने शिष्यतु वा शरीरम, इहासने शिष्यतु वा शरीरम त्वगस्थि मांसम विलयम प्रयाति अप्राप्य प्रज्ञाम बहु जन्म दुर्लभाम नैव आसनात् कायमिदं चलिष्यति। इसी आसन पर बैठे हुए मेरा ये शरीर सूख जाए और जो मेरे त्वचा है, अस्थि हैं, मांस हैं, वो प्रलय को पर्याप्त चले जाएं, नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं। लेकिन बहुत जन्म दुर्लभम, लेकिन बहुत सारे जन्मों में भी जो दुर्लभ प्रज्ञा है, अब यहाँ पर उन्होंने जो शब्द प्रज्ञा प्रयोग किया है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का संबंध बोध से है और प्रज्ञा शब्द, तो क्या ये दो अलग शब्द होंगे, ये बात में हम चर्चा में लेंगे इस तरह के शब्दों को भी। लेकिन उस अप्राप्य प्रज्ञा जो है बहुजन दुर्लभम, उसको प्राप्त किए बिना इस आसन से मैं, ये मेरा शरीर एक कदम भी नहीं चलेगा। तो ऐसा जो बुद्ध का आग्रह है वो ज्ञान के प्रति, वो हमारे लिए प्रेरणा का मार्ग है और वही सबसे बड़ी बात है कि इतनी निष्ठा, इतना उसके प्रति आग्रह, ये हम बहुत दुर्लभ है ज्ञान को प्राप्त करने का। तो इसी विषय को अग्रसर करते हुए थोड़ा सा हम आज की चर्चा का देख लें कार्यक्रम को, कि शुरू के जो लगभग 5-7 मिनट है उसमें संस्कृत विभाग की ओर से एक पूर्व पीठिका के रूप में, एक भूमिका के रूप में कुछ एक बातें आप लोगों के साथ साझा करेंगे और उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगेरस जी का वक्तव्य रहेगा और साथ में जो है प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी, जो बुद्धिस्ट स्टडीज के प्रोफेसर हैं मगध यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ से, उनका वक्तव्य रहेगा और फिर साथ ही साथ हम ओपन हाउस डिस्कशन रखेंगे। थोड़ा सा पहले जो था स्वास्थ्य के कारण, रमाकांत जी के स्वास्थ्य के कारण ये कार्यक्रम थोड़ा डामाडोल हो रहा था, तो इसलिए बीच में जो रिसोर्स पर्संस और ये सारी बातें हैं वो इस वक्त यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और ओपन हाउस डिस्कशन के बाद जो है वो वोट ऑफ थैंक्स, जैसे हमारा की हमेशा का एक कार्यक्रम रहता ही है, वो डॉक्टर कमलेश जो कन्वीनर और हेड हैं संस्कृत डिपार्टमेंट चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय ढांड कैथल से, वो जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो प्रस्तुत करेंगे। तो विषय को अब
जैसे कि मैंने कहा, एक पूर्व पीठिका के रूप में आप लोगों के साथ दो चार बातें करके और उसके बाद मैं मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा। 21st सेंचुरी को आप दो रूप में, दो पक्षों से आप समझ सकते हैं। एक तो 21st सेंचुरी वॉर्स और हॉस्पिटल्स, इनसे परिभाषित होती है, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्री, ट्रेड, डेवलपमेंट, ये सारे के सारे इन्हीं दो के बीच में समाहित होते हैं। और दूसरे पक्ष पे जो एक्स एक्सिस आपका है, उस पे आप देखिए कि इंडस्ट्री, ट्रेड और मार्केट मार्केट इकोनॉमी, ये 21st सेंचुरी के परिणाम हैं जो आज के इस वक्त वर्तमान काल में हमें दिखाई देते हैं। और इसी के प्रभाव में हमारी पूरी सोशियोलॉजी, हमारा पूरा व्यवहार आदि आदि निश्चित हो रहे हैं। हमारी सोच, हमारी भाषा आदि आदि जितने भी मानवीय व्यवहार के आयाम हो सकते हैं, वो सब इस वॉर और हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्री और ट्रेड और मार्केट इकोनॉमी से परिभाषित हैं। लेकिन इसके पीछे भी देखने वाली बात यह है कि उसको चार उसकी अंतरधाराएं हैं। इस 21वीं शताब्दी को परिभाषित करने के लिए चार अंतरधाराएं हैं। पहली तो डार्विन, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जिन्होंने थ्योरी दी। दूसरे फ्रॉयड रहे हैं, जिन्होंने सेक्सुअलिटी के ऊपर पूरा बल दे दिया कि उसके बिना तो किसी भी चीज का आप परिभाषीकरण नहीं कर सकते, कोई भी व्यवस्था नहीं बना सकते। तीसरे मार्क्स हमारे सामने आते हैं, जो 21वीं शताब्दी को परिभाषित करते हैं कि इकोनॉमी जो मनी मैटर्स हैं, वही सब कुछ है, और उसी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा, तब तक जो है वो ना कोई व्यवस्था कामयाब हो सकती है और ना ही कहीं न्याय हो सकता है। इन सब के बीच में एक जो और घपला हुआ, क्योंकि वो वॉर्स, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्री, इनके बीच में एक जो घपला यूएनओ ने पैदा किया, वेस्ट ने, वो ह्यूमन राइट्स का पैदा कर दिया। और इस ह्यूमन राइट्स में जो आपके फ्रीडम आदि के शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, इसने पूरे के पूरे विश्व मानव के सामने एक उन उन मार्ग सब प्रस्तुत कर दिया। वस्तुतः मार्ग ही नहीं को छोड़ा है, जिसका जिधर दिल करे उधर वो चल पड़े। ऐसे ये 21st सेंचुरी जो है वो हमारे सामने है। तो इस 21st सेंचुरी में हम जानने का प्रयास करें कि महात्मा बुद्ध को कैसे जाने, कैसे उनके शरण में जाकर के उनको कहें कि वो अपने आप को हमारे सामने अभिव्यक्त कर दें, उन्मीलित कर दें, प्रकट कर दें। तो और हमने जो विशेष विषय रखा था वो था संस्कृत शास्त्रों में, लेकिन वो केवल अपने जानने और समझने के लिए है। आप अपनी तरीके से अपनी सारी बात रख सकते हैं। देखिए, जब हम संस्कृत शास्त्रों की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और संस्कृत शास्त्र जो है वेद, यज्ञ, योग, पुराण और बाकी साहित्य से परिभाषित होता है। और दूसरी तरफ अगर आप ये नीचे की ओर देखें, तो संस्कृत साहित्य जो है वो पुरुषार्थ, जिसमें ये चारों पुरुषार्थ हैं, और ऐषणत्रय, जिसमें पुत्र, वित्त और लोक, ये आपका एक व्यवहार है संस्कृत शास्त्रों का। इसी के बीच में सारा ताना बाना संस्कृत शास्त्रों का रहता है, और बुद्ध इसी प्रक्रिया से निकले हैं, क्योंकि उनके आसपास उस वक्त यही सब कुछ था। अब उसके बीच में बुद्ध जो हैं, अगर आप उनको देखें, तो बुद्ध का पूरा दर्शन है सामान्य दर्शन, विशेष की ओर नहीं मैं अभी जा रहा, तो वो सर्वम दुखम से शुरू होता है और सर्वम शून्यम पर तक जाता है। यानी कि अगर ए पॉइंट सर्वम दुखम है और बी पॉइंट जो है सर्वम शून्यम है, तो इसके बीच में कहीं बुद्ध खड़े होते हैं। तो आम मनुष्य के लिए ये समझना मुश्किल होगा कि सर्वम दुखम और सर्वम शून्यम तक की जो यात्रा है, ये बुद्ध कैसे पूरा करवाएंगे। दूसरा एक पक्ष और है कि बुद्ध जो हैं, उनकी एक यात्रा का एक पक्ष और है संस्कृत की दृष्टि से, कि तथा आगता, तथागत उनका नाम है, और तथागत, जैसे वो आए थे वैसे ही चले गए। क्या ये संदेश है, क्या ये उपदेश है, क्या ये व्यवहार है, तो इस बात को भी हमें देखना और समझना होगा। ये भी एक विश्लेषण का पार्ट है। अब इस सारे के बीच में जो बुद्ध को हमारे पास उपलब्ध साहित्य आता है, उपदेश आते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यहाँ पे ये प्रमादवश रह गया है। तो बुद्धम, संघम और धम्मम, तो इस सर्वम दुखम और सर्वम शून्यम के बीच में वो कौन सा धम्म हो सकता है जिसकी
चर्चा जो है वो बार बार हमारे मंत्रों के रूप में आती है। अब इस बीच में जो संस्कृत साहित्य है वो करता क्या है कि बुद्ध जिसको कि कम्युनिस्ट लॉबी और दलित लॉबी और बहुत तरह की जो लॉबीज हैं जो नरेटिव डिजाइन करते हैं कि बुद्ध को एक सनातन धर्म के विपरीतता में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी विचित्र बात है कि बिना वो जाने बिना वो समझे केवल अपने नरेटिव को समर्थन देने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि जब आप संस्कृत साहित्य को देखते हैं तो उसमें आप जब दशावतार स्तुति पढ़ते हैं तो वहां हमें क्या मिलता है कि विष्णु के अवतार के रूप में जो है वो बुद्ध की हमें वर्णन मिलता है, और कितना सुंदर और सुखद वो मिलता है। नंदसि यज्ञ विधेरह श्रुति जातम निंदसि हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। तो ऐसा जो बुद्ध का शरीर धारण करने वाले विष्णु है, क्योंकि विष्णु पालक हैं, विष्णु की करुणा है, और इसीलिए शायद बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया है। तो ये कुछ एक पक्ष हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि हमें चर्चा अवश्य करनी चाहिए और अपनी प्रतिसंवेदन और प्रतिक्रिया दोनों ही आप लोग समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे का देख लेते हैं कि बुद्ध एक शब्द प्रयोग करते हैं जिस धर्म की अभी हम पहले बात कर रहे थे कि एष धर्मो सनातनो न ही वेरेन वेरानी समंत तीह कुदाचन अवेरेन न च समन्ति एष धर्मो सनातनो, कि ये धर्म सनातन है कि वैर से वैर शांत नहीं होता बल्कि अवैर से शांत होते हैं, यही सनातन धर्म है। अब ऐसा कहने वाले ऐसा उपदेश करने वाले जो महात्मा बुद्ध हैं उनको जानने के लिए जो हमारे पास अस्त्र शस्त्र शब्दों के हैं उनमें उनका दर्शन प्रतीत्य समुत्पाद उनको पकड़ने और समझने के लिए वैभाषिक सौतांत्रिक योगाचार माध्यमिक आदि स्कूल्स हैं। बुद्ध का आचार विचार और व्यवहार उनको हमने परिभाषित कर लिया है, पुस्तकों में ग्रंथों में बांध लिया है, साथ ही साथ हमने उनकी प्रतिमाएं बना ली हैं उनके विभिन्न पक्षों को देखते हुए, मिताभ बुद्ध की, वज्रपाणी की, अवलोकितेश्वर, तारा, प्रज्ञा पारमिता आदि की उनके चित्र हमने यहाँ नहीं दिए हैं। और फिर जो ग्रंथ हमें मिलते हैं विनय पटक सुत पटक आप सभी जानते हैं, अभी धम्म पिटक और जातक कथाएं, साथ ही साथ हमने बुद्ध को पकड़ने की कोशिश की कि ओम मणिपद्मे हुम ओम तारे तु तुरे स्वाहा आदि मंत्रों के द्वारा भी जो बुद्ध का जो बुद्धत्व है उसको पकड़ने की समझने की या जीवन में उतारने का प्रयास किया है, लेकिन कितने सफल हो पाए हैं ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। थोड़ी सी बात आगे और अग्रसर करके मैं पहले प्रोफेसर रमाकांत जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस सारे विषय के ऊपर बहुत संक्षेप में अपनी बात हमारे साथ साझा करें। बुद्ध ने चार सत्यों की बात की है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख के निदान का मार्ग है, ये बात बड़ी स्पष्ट है, और निदान मार्ग में उन्होंने हमें अष्टांग मार्ग दिया है जो कि सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक प्रयास आप सभी जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, तो अष्टांग मार्ग से आप सभी परिचित हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना तो हम जानते हैं, इसके आगे हमें क्या कैसे चलना है, कैसे बुद्ध की शरण में जाकर के उनसे हम निवेदन कर सकें कि आप अपने आप को उन्मीलित करें और प्रकट करें। तो बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामना देते हुए मैं उनका एक जो उनके विषय में जो श्लोक लिखा गया है, मुझे नहीं मालूम कि इसके ऑथेंटिकेशन क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन मिला तो अच्छा लगा, तो इसलिए आप लोगों के साथ मैंने इसे साझा किया है। न चैष धर्मो वन एव सिद्धः पुरे पुरेपि सिद्धिर नयता यतीनां बुद्धिश्च यत्नश्च निमित्तम अत्र वनम च लिंगम च भीरु चिन्हम। यानी कि क्या कहते हैं, उद्धार केवल जंगलों में ही नहीं होता, एक शहर में भी तपस्वियों के मोक्ष को पूरा किया जा सकता है, विचार और प्रयास ही सही साधन है, जंगल उपाधि आदि केवल कायरता के संकेत हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। हमारे साथ प्रोफेसर अविनाश जी भी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर रमाकांत जी के बाद अपना विचार हमारे साथ साझा करेंगे और उसके बाद आप सभी लोग अपनी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो
तो पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर रमाकांत जी को कि वो सारे इस सारे विषय को कैसे देखते हैं, कैसे हमारा मार्ग निर्देशन करते हैं, उसके लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी प्रिय बंधुओं, सभी जो विद्वान हैं आज की इस चर्चा में, जो लोग भी शामिल हुए हैं, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सब लोगों के लिए इस बुद्ध जयंती के ऊपर बहुत मंगल कामनाएं आप सबके लिए। और यद्यपि मेरा है कुछ आग्रह, मेरा आज इस बार नहीं था, पर फिर ये मुझे लगा कि ये कैसा पुण्य पर्व है, इस पुण्य पर्व में अपने लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर है, तो उसमें मैं कुछ थोड़ा सा विचार आप लोगों के आगे रख सकता हूँ। तो ये आशुतोष ने जो विषय का स्थापना की है, वो प्रस्तावना बड़ी मार्मिक है। और प्रस्तावना के अंदर एक तरह से वो ऐसा है कि हमारे सामने एक बहुत सारा मिश्रण, एक गठरी सी रख दी है। अब उस गठरी को खोलने का काम जो है वो बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें आपने बहुत सारे विषय बुद्धिज्म को लेकर के और वर्तमान की स्थितियों को लेकर के बहुत कुछ चर्चा करने के लिए सामग्री उपस्थित करती है, लेकिन उसमें जो सारभूत तत्व है उसको निकाल के अगर हम विचार करें तो ये जो डिकोडिंग है, डिकोडिंग के लिए हमें उस सारे एक बहुत बड़े उस बंडल में से एक सूत्र निकालना पड़ेगा कोई ना कोई, कि जहां से हम उसको पूरा विषय वस्तु को ठीक से जो उसका स्पष्टीकरण हो सके, कुछ बात समझ में हमारे आ सके। तो उसमें आप देखें तो ये भारत के अंदर बुद्धिज्म के विषय में दो तरह के पक्ष चले आ रहे हैं पिछले लगभग 1500 साल से, 1400 साल से दो तरह के मत चले आ रहे हैं। एक उनको स्वीकृति देने के पक्ष में है और एक अस्वीकृति नहीं देने के पक्ष में है। अब उनका उनको पूर्व पक्षी मान करके तो कुछ लोगों ने, जैसे न्याय और मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तीनों ने ही उनका खंडन किया, उनके विचारों का उनको अस्वीकृत किया। लेकिन दूसरे लोगों ने उसमें स्वीकार करने वालों का भी संस्कृत में बहुत बड़ा पक्ष रहा, और विशेष रूप से जो ये एक हमारा जो आत्मसात करने की एक प्रवृत्ति है सभी दर्शनों के अंदर, उसमें आदर प्रकट करने में कहीं कोई संस्कृत वालों ने कमी नहीं रखी है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो इसमें काम है वो वैष्णवों ने प्रत्यक्ष रूप से और शैवों ने परोक्ष रूप से उनको, उनके दर्शन को, उनकी बात को आत्मसात भी किया, समझा भी है। और यहाँ जो देश और काल के कारण जो दूसरे लोगों के द्वारा आरोपित होता है उसको अस्वीकृत कर दिया, बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा जो कुछ अपना आरोपण किया गया था उस आरोपण को हटा दिया। बुद्ध ने जो कहा
उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसको स्वीकृत कर लिया और उसे कहा ये से धम्मो सनंतनो, बुद्ध धर्म कोई ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने पहली बार ऐसा नई बात कही है, ये बात चिरंतन काल से चली आ रही है और इस प्रज्ञा के विषय में, ज्ञान के विषय में जो बात हो रही है, जिसके लिए वो ये बार बार कह रहे हैं और वो कह कह रहे हैं कि एक यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं कि एक जैपनीज जैन जो संत था महात्मा, वो एक जगह पर खड़ा था और वहां बड़ी वर्षा हो रही थी और लोग कुछ और भी इकट्ठे हुए हुए थे वहां, अन्य लोग भी थे, वर्षा में सब लोग बड़े ठंड में ठिठुरा रहे थे। तो वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क था, जो बुद्धिस्ट संत था, उसने देखा कि लोग जो हैं वो वहां पर आग सुलग रही है हल्की हल्की सी, लेकिन लोगों ठंड से कांप रहे हैं। तो उन्होंने वो तीनों जो वहां पड़े थे ग्रंथ, उनके सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक, वो पिटक और ग्रंथ उठाए, उठा करके अग्नि में डाल दिए। तो वहां हाहाकार मच गया कि अरे ये क्या किया तुमने, ये अनर्थ हो गया, ये जैसे आजकल कहते हैं कि सेक्रिलेज हो गया उसके अंदर ये है कि। तो उसने कहा कि नहीं, इसमें अगर ये ग्रंथ जो है, अगर आपके शरीर में अगर शीत पहुंच रहा, ऊष्मा नहीं पहुंच रही है, और इन ग्रंथों के माध्यम से अगर आपके शरीर में ऊष्मा पहुंच गई, तो मैं इसे समझता हूं कि ये बुद्ध का यही कथन था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा गलत काम किया आपने कि आग में डाल दिया धर्म ग्रंथों को। तो वो पास में एक बुद्ध का वुडन स्टैचू था, वो लकड़ी का काष्ठ मूर्ति जो थी, उसने जैन भिक्षु ने उसे उठा करके वो बुद्ध का वो स्टैचू जो था वो भी उसमें डाल दिया। तो उसमें वो लोगों को बड़ा विचित्र लगा, लेकिन वो उसने कहा कि नहीं, ये अगर बुद्ध का जो ये मैसेज है, अगर आप लोगों का वो ये ग्रंथ या ग्रंथों के या उसकी जो स्पिरिट है, वो है कि आप लोग जो इस समय बहुत बुरी तरह से बेहाल हैं शीत के मारे, तो उसके अंदर ये स्टैचू और ये ग्रंथ ये कोई महत्व नहीं रखते। तो वो ऊष्मा जो वो देना चाहते थे बुद्ध समाज को, जो ऊष्मा देना चाहते थे, क्योंकि समाज जो है वो तद गतानुगतिको न महार्घ, संस्कृत में जैसे कहते हैं ना कि गतानुगतिक न्याय चल पड़ता है, कि भेड़ के पीछे भेड़, भेड़ के पीछे भेड़ चल पड़ती है, तो तद गतानुगतिको वो उस तरह का जो है ना गतानुगतिक न्याय से लोग उसकी मूल स्पिरिट को विस्मृत कर देते हैं। तो उस मूल विस्मृत स्पिरिट को जागृत करने के लिए ये ग्रंथ नहीं, मूर्ति नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये नहीं कि उसका वो निषेध कर रहे हैं, ऐसे कलाकारों को वो बंद नहीं करेंगे कि मूर्तियां मत बनाओ या ये मत करो वो करो, लेकिन वो कहें कि उसी में लीन हो जाओ और बुद्धत्व का त्याग कर दो। बुद्धत्व का अगर त्याग हो जाता है तो उससे जो बेसिक हमारा मूल जो हमारा एक समस्या है, हम उसे बहुत अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया, हमारा उस रास्ते से परे हट गया हम एक तरह से। तो इसलिए बुद्ध को जब किसी ने ये प्रश्न किया कि ये अस्ति अयम लोकः, ये लोक है, तो बुद्ध चुप रहे। फिर से कहा कि ये परलोक है, तो बुद्ध फिर चुप रहे। तो उन्होंने बाद में कहा कि ऐसा उत्तर क्यों नहीं दिया। तो उसने आनंद ने पूछा कि ऐसा आपने लोक के बारे में भी कुछ नहीं कहा, परलोक के बारे में भी कुछ नहीं कहा। तो बुद्ध ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट, मेरे इसमें रुचि नहीं है कि ये लोग, ये प्रश्न जो है कि लोक है या नहीं है या परलोक है नहीं है, इसके बारे में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो माने बुद्ध जयंती के इस अवसर पर जो देखने की बात है वो ये थी कि बुद्ध का वो जो अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्पिजम होतारम रत्न धात्मम से जो चला था ना कि आग जलाओ आग, और ये अग्नि क्या है, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्व कर्माणि भस्म सात गुरु तेजुन, ये वो जो परंपरा चली आ रही थी उसी परंपरा को बुद्ध अग्रसर करने वाले
और विनायक जिन्हें कह सकते हैं उनको नेता विशिष्ट नायक बन जाते हैं। इस कारण से बौद्धों ने और संस्कृत के लोगों ने उनको स्वीकार इस रूप में किया। उन्होंने स्वीकार इस दृष्टि से, ये तो एक तरह से वैष्णवों ने तो कहा और उसको लेकर के वैष्णवों में भी बड़ा संघर्ष हुआ है। संघर्ष ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जो है जो नौवां अवतार है वो नौवां अवतार बुद्ध को क्यों माना जाए। ये बुद्ध जिसके बारे में चर्चा की गई है, ये बुद्ध कोई दूसरा था जिसको अवतार माना है उसके अंदर, ये बुद्ध से पूर्ववर्ती है, ऐतिहासिक बुद्ध से ये पूर्ववर्ती हुए बुद्ध हुए हैं और वो डेढ़ क्षण के लिए ही उनका जन्म हुआ और उसी में उन्होंने उसका सब नाश कर दिया था असुरों का, और डेढ़ मिनट के अंदर का ही उनका जन्म था। वो बुद्ध कोई और थे, ये बुद्ध कोई और, इस तरह की बड़ी कंट्रोवर्सी चली वैष्णवों के अंदर भी। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने बुद्ध के बुद्धत्व को, जैसे मैंने कहा कि ये जो जागरण की समस्या है वो ग्रंथों में जागरण, ग्रंथ से नहीं जागरण, मूर्ति से वो जागृत करता है। तो जब जागरण होता है तो जागरण में सहायक अगर ये साधन होते हैं तब ही इनकी सार्थकता है। अगर जागरण में सहायक नहीं होते हैं तो जब अगर बुद्धत्व में नहीं वो परिणत होते हैं तो फिर ये बाहर के साधन जो है वो साधन मात्र रह जाते हैं। लोग उनके लिए संघर्ष करते हैं, युद्ध करते हैं, बाहर से बुलाते हैं कि बुद्धिज्म की प्रेरणा करने के लिए भारत में जो नॉन बुद्धिस्ट हैं उनको बुद्धिस्ट बनाओ और ये करो, इस प्रकार का वो संघर्ष, वो बुद्धिज्म का मूल स्वरूप है ही नहीं। जब वो तपश्चर्या के बाद उनको जो प्राप्त हुआ, जो कुछ भी बुद्धत्व जो प्रज्ञा प्राप्त हुई उसको वो उसके बांटने के लिए आए, तो बांटने के लिए आए तो सबसे पहले उन पांच जो भिक्षु थे काशी बनारस में आए वो पहले, सबसे पहले, और बनारस से फिर सारनाथ में, और फिर उनका धर्म चक्र प्रवर्तन की बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं हैं, वो सब जानते हैं लोग, इतिहास में सब लिखा हुआ है। लेकिन स्पिरिट उसकी ये थी कि वैष्णवों ने जो काम किया वो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये निंदस यज्ञ विधे रह श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम। अब ये निंदस यज्ञ विधे, यानी इतनी ओपनिंग, ओपन माइंडेडनेस के साथ बुद्ध को अगर समझना है तो समझ में आ सकता है, नहीं तो नहीं। विद प्योर हार्ट एंड ओपन माइंड्स एंड ईगर इंटेलेक्ट, तीन चीजों का एक संगठन होना चाहिए। तो वो तीन चीजों का संगठन क्या था, यह निंदस यज्ञ विधे, जयदेव कहते हैं यज्ञ विधे रह श्रुति जातम, श्रुति जात जो यज्ञ, श्रुति में वर्णित जो यज्ञ है उसमें तुम ये सदैव हृदय दर्शित पशु घातम, सदैव हृदय से पशुओं का घात होते हुए न देख पाने के कारण तुम यज्ञ विधि की निंदा करने लगे। इसके साथ एक कथा उन्होंने बनाई कि बुद्ध ने, भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया और अवतार इसलिए असुरों के हाथ में, यज्ञ के नाम पर जो असुरी कर्म होने लगे थे, जो असुर थे उनके हाथ में, जैसे ते हेलो हेल कुर्वंत असुरा पराभू, ये पतंजलि जी महाभाष्य के अंदर वो भी रेफरेंस देते हैं, यज्ञ असुर भी करते थे, रावण भी यज्ञ करता था, और भी बड़े बड़े लोग जो थे यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञ करते थे आसुरी बुद्धि से करते थे। तो आसुरी बुद्धि से यज्ञ करने वालों को भगवान बुद्ध विष्णु ने बुद्ध का अवतार धारण करके, अब ये अवतार जो है, ये अवतार का कॉन्सेप्ट वैष्णव का एक बड़ा व्यापक वो है, जिसके अंदर वो इस बात को बार बार कहते हैं कि ये अवतरण का जो प्रक्रिया है, ये अवतार जो है ये उसमें ये विशिष्ट अवतार, कुछ विशिष्ट अवतार हैं, कुछ अंश अवतार हैं, कुछ पूर्ण अवतार हैं। तो वैष्णवों में जब ये द्वंद्व चला थोड़ा बहुत, तो उसमें उन्होंने कहा कि नौमा अवतार बलराम को मान लिया जाए, तो फिर उसमें उस कंट्रोवर्सी का समाधान भी हुआ कि एक समय में दो अवतारों के होने की तो कोई कल्पना बड़ी असार्थक नहीं बनती है। जब कृष्ण है वहां पर पूर्ण अवतार है, तो फिर वहां पर
बलराम को अवतार मान करके ये बुद्ध को हटाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। इसलिए बलराम जो है, एक तो वो पूर्णावतार नहीं है, वो अंशावतार ही है, शेष का रूप है तो शेषावतार है। तो दूसरा ये कि उसमें एक एक समय में दो अवतार होने की कोई संभावना नहीं है वहां पर उस ढंग से पूर्णावतारों की। तो इसलिए उन्होंने ये स्वीकार किया। और उनकी यज्ञ के प्रति जो गर्हना थी, यज्ञ के प्रति जो निंदा का भाव भी उनका था, उसको उन्होंने स्वीकृति इस दृष्टि से दे दी कि यज्ञ विधि के अंदर जो हिंसा है वो हिंसा का निष्कासन होना चाहिए, हिंसा को यज्ञ से निकाला जाना चाहिए। ये शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी मूल में आता है कि जब यज्ञ में वो बलि कर्म को लेकर के विवाद हुआ तो उस विवाद के अंदर याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसे पशुघात पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। तो कहा फिर क्या किया जाए, तो उसमें कहते हैं आकाशवाणी हुई, उसमें कहा कि अगर तुम इन पशुओं की बलि दोगे तो ये पशु जो है ये तुम अपने अपनों को भी तुम इसी तरह से खा जाओगे एक दिन, इसलिए ये पशु जो है ये बलि के योग्य नहीं है। और उन्होंने उसका वो अग्नि की परिक्रमा करा करके उन बलि पशुओं को याज्ञवल्क ने छुड़वा दिया और कहा कि ये अर्पित हो गया, देवताओं को अर्पित, और अब ये आनंद से भ्रमण करें, अपना जाएं, स्वतंत्र कर दो इनको। तो ये एक बात चल रही थी कि यज्ञ के अंदर, यज्ञ के नाम पर कुछ लोग, धर्म के नाम पर ये अब भी चल रहा है, धर्म के नाम पर कुछ लोग हिंसा में विश्वास, बहुत कठोर विश्वास लेके बैठे हैं कि हमारे गुरु को ये कह दिया तो हम मार डालेंगे उसको और ये करेंगे, उसका कुछ भी कर सकते हैं। तो इस ये एक द्वंद्व कि गुरु को लेकर के जो धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है, उसको लेके कुछ अपनी अपनी वासनाओं के लोग जो हैं वो कुछ अपनी पुण्य वासनाओं से अपनी वासनाओं का ही ऊपर करने जाते हैं। तो इस तरह से वैष्णवों ने कहा कि भगवान बुद्ध ने, भगवान विष्णु ने ही अवतार लेकर के उनसे है ग्रीव रूपधारी विष्णु का भी कहता है स्वरूप, कि भगवान बुद्ध ने उनसे वो सारा जो वेद वो लेकर के अपना स्वरूप को उन्होंने गोपन कर लिया उसके अंदर। तो इस तरह की उसमें, लेकिन उसके अंदर उन्होंने पहले अवतार के रूप में वेदानुद्धर से ये गीत गोविंद के अंदर ही जो पहले वो करते हैं, कृष्णाय तुभ्यम नमः, कृष्ण के ही दशावतार बना लिया उन्होंने, तो उसमें भी बुद्ध की गणना उपासना के अंदर दुर्वासा जो है वो बुद्ध के दर्शन को स्वीकृत प्रदान करते हुए देते हैं। गायत्री सशिरा तुरीय सहिता संध्या में इत्यागमयी आख्याता त्रिपुरे तुम्हें शरणम शर्मदा कर्मणाम तत्त दर्शन दिव्य शक्ति रविच तुम ब्रह्म कामेश्वरी कर्तारहं सविता हरिश्च सविता बुद्ध शिवस्त्वं गुरु। वो कहते हैं कि गायत्री सशिरा तुरीय सहिता संध्या में इत्यागमयी, ये गायत्री सशिरा, गायत्री जो है गायत्री की ही आगे जो स्कूल आगे चले अग्रसर हुए, आख्या त्रिपुरे तुम्हें, तुम्हें त्रिपुरा भगवती के रूप में तुम्हारा स्वरूप शाक्त उपासना में बना और तुम्हारे ही स्वरूप के इर्द गिर्द बनते बनते वहां से कर्तारहन, न्यायिकों का ईश्वर वो कर्ता है, अर्हन है, कर्तारहन सविता सविता बुद्धस्त और तुम्ही बुद्ध के रूप में धारण करके आई भगवती। तो उसमें भी उसमें शाक्तु ने भी बुद्ध को उस रूप में स्वीकृति प्रदान की। और बौद्ध साधना में जब ये मंत्र तारा को, दस महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या जो है तारा, जिसके मंत्र का यहाँ उल्लेख किया हुआ था, तारे तु तारे तुरे स्वाहा, ये प्रथमा जो दस महाविद्याओं में से है, उसको स्वीकृति प्रदान की। लेकिन वो तारा को उन्होंने एक दर्शन का रूप, क्योंकि जो बौद्धिक पंडित है, पंडित जब बुद्ध के प्रति जाएगा तो वो अपनी श्रद्धा उपोद्वलित बुद्धि को लेकर के जाएगा,
अपनी बुद्धि का वो संहार नहीं करके जाएगा, वो बुद्धि साथ लेके जाएगा लेकिन श्रद्धा से उपोद्वलित होगी वो बुद्धि उसकी। इसलिए वो उसमें उन्होंने कहा कि ये भगवान बुद्ध की प्रज्ञा के जो सप्त स्वरूप बनते हैं वो प्रज्ञा के जो हैं वो प्रज्ञा की हुई देवियों के रूप में उसकी उपासना करके हम बुद्धत्व के प्रति जा सकते हैं। लेकिन उस बुद्धत्व का प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये वो जो सुवर्ण में पंडित है क्या उसमें है, परीक्ष भिक्षुवो ग्राह्य मद वचो न तो गौरवात्, हे भिक्षुओं मेरे वचन का मेरे गौरव से मेरा उसमें कि हमारा गुरु है इसलिए हमारी मेरे प्रेस्टीजियस, ये ऐसे गुरु का कथन है जिसका मुकाबला मुझे योग वशिष्ठ में ही मिलता है कि वशिष्ठ इसी तरह की बात कहते हैं। तापा छेदा निक्षत सुवर्ण में वो पंडिता, वो कहते हैं कि जैसे त्याग से तापात तपाने से सोने को परखा जाता है कि इसमें मल कितना है और स्वच्छ मल कितना है, छेदाच काटने से जैसे होता है, निकषाद कसौटी पर घिसाने से जैसे उसकी परीक्षा करते हैं, ऐसे ही ये आज के आलोचना क्रिटिसिज्म लिखने वाले लोगों के जरा इसको देखें, उनके लिए ये मॉडल है। इस मॉडल को कालिदास भी अपने रघुवंश के अंदर और अपने मालविका अग्निमित्र नाटक के ऊपर बात करते हुए वो कहता है कि परीक्ष, और उपनिषद के अंदर भी ये बात चली आ रही थी जब उसमें नचिकेता कहता है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्तकृते, ये परीक्ष की बात जो है ये परीक्षण करना। संस्कृत में प्रत्येक शब्द अपने आप में एक मंत्र है, प्रत्येक शब्द मंत्र है क्योंकि उसके अंदर जो धातु अर्थ है उसके अंदर जो वो संज्ञाएं भी हैं, संज्ञाएं भी धातु के अधीन है, वहां पर क्रिया के अधीन है, बिना क्रिया के बिना कुछ किए आप ओपिनियन नहीं दे सकते अपनी। परीक्ष लोकान कर्म चितान, कर्म के द्वारा चित जो लोक है उनका परीक्षण करके, निर्वेद माया नास्त्यकृतकृत्य, क्योंकि जो अकृत तत्व है वो उसको उससे ऐसे छोटे मोटे कर्मों से नहीं पकड़ा जा सकता उसको है। तो बुद्ध जो थे वो एक ऐसा मैसेज उन्होंने, क्योंकि उनके समय में अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जो नास्तिक स्कूल चले हुए थे, मंखलीपुत्र गोसाल भी था और चारवाक भी थे और दूसरे लोग भी बहुत सारे उनके समय में ऐसे लोग थे जो केवल मात्र उसमें नास्तिकता के अंदर ही लोग को ले जा रहे थे। बुद्ध ने श्रुति की निंदा नहीं की है, वो हिंसा की निंदा करते हैं कि बुद्ध वेद के श्रुति के नाम पर जो हिंसा करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार से। तो इसलिए गीत गोविंद कार ने तो वहां भक्त होने के नाते उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये वेदानुद्धरते जगन्नि वहते भूगोल मुद्विभ्रते, तीन अवतार उन्होंने ले लिए, वेदानुद्धरते मछली का अवतार, कूर्मा अवतार और फिर उसमें ले लिया जगन्नि वहते भूगोल वराह अवतार भी ले लिया, फिर उसके बाद तीसरा आ गया ये बलिम छले थे वो दैत्यम धा रहे थे वलिम छले थे, और दैत्य जो है नरसिंह का नरसिंह अवतार, हाफ मैन हाफ लॉइन, तो दैत्यान धा रहे थे बलिम छले थे, फिर वामन अवतार आ गया बलि को छलते हुए, और फिर उसके यहाँ क्षत्रक्षयम कुर्वते जो ऐसे राज्य से भ्रष्ट राज्य के विपरीत चलने वाले लोक के विपरीत चलने वाले जो राजा हैं उनका क्षय करने वाले परशुराम के रूप में भी अवतार ले लिया, और फिर उसमें वो उसमें पौलस्त्यम हरते पौलस्त्य जो रावण है उसका हरण करने वाले ब्राह्मण का हनन भी उसने करवाया उससे। तो फिर उसमें कहते हैं पौलस्त्यम जयते हलम कलयते, और फिर उसके बाद उसमें बलराम को ले लिया उन्हें हल को धारण करने वाले, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कृष्ण के अवतार स्वीकार कर लिए हैं शुरू से। तो
कारुण्यम और ये बुद्ध का जो है पौलस्त्यम हरते हलम कलयते कारुण्यमातन्वते, और करुणा का अवतार तो बुद्ध का, वैष्णवों ने, बुद्ध ने कहीं करुणा की बात कही है, जरूर कही होगी कहीं ना कहीं, लेकिन बुद्ध की करुणा को वैष्णवों ने ज्यादा आगे बढ़ाया, बुद्ध को एक कारुण्यम, ये करुणा को पहचाना कि बुद्ध में, बुद्ध ने ऐसा क्यों किया, बुद्ध ने इसलिए ऐसा किया कि क्योंकि लोक के लिए, लोक की रक्षा के लिए, यहां तक भी उनके साथ कथा जोड़ी गई कि वो निर्वाण के जब उसमें चरम शिखर पर पहुंचे तो वहां से उन्होंने देखा कि लोगों की आवाजें, बहुत पीड़ित लोगों की आवाजें हैं, तो एक सामूहिक रूप में मनुष्यता की दुख को हटाने की दृष्टि से उन्होंने हर एक आदमी को जो मैसेज देना था वो मैसेज दे था कि जागो। बुद्धत्व का अर्थ क्या है? जागना है। उद्बुद्ध्यस्व, पशु, पशु की तरह मत पड़े रहो, जागो, जागते रहो, ये जो एक प्रहरी की तरह आवाज देनी थी, तो वो जागने के लिए, जागृति जो है वो बुद्धत्व के लिए आई। लेकिन दार्शनिक लोगों ने अपने दर्शन उनके इर्द गिर्द बुनने में कसर नहीं छोड़ी, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग ये त्रिधारा को ऐसे मिलाइए कि एक गंगा, एक यमुना चल रही है और एक बुद्ध की अपनी धारा बीच में से चल रही है, दो धाराएं आकर के उनका संगम हो जाता है। ये संगम श्री हर संघ संस्कृत के अंदर सबसे बड़ा मैं देखता हूँ, जो बड़ा विचित्र भी मुझे कई बार लगता है कि श्री हर्ष जो थे, जिनका संस्कृत के अंदर बहुत बड़ा नाम है, संस्कृत के पंडित विद्वान के रूप में, वेदांती दार्शनिक खंडन खंड खादि जैसे ग्रंथ को लिखा जिसके अंदर सभी मतों का खंडन कर दिया और सभी को अस्वीकृत करके वेदांत की रक्षा की है, तो वो वेदांती होते हुए भी वो जब नैषचरित के 21वें सर्ग में पहुंचते हैं तो वहां पर बुद्ध का स्तवन करने लगते हैं। एक चित्त तति रद्वय वादिन न त्रयी परिचितोत बुद्धस्त्वम्। एक चित्त तति अद्वैतवादी, तुम भी अद्वैतवादी थे। अब शंकर भी अगर अद्वैतवादी हैं, बुद्ध भी अद्वैतवादी हैं, लेकिन वो एक चित्त तति अद्वैतवादी, हे अद्वैतवादी, अद्वैत प्रवचन करने वाले, तुम कह रहे हो एक चित्त तति, एक चित्त की धारा ही सारा सब कुछ बन गया है, सारे का सारा, ये जितना प्रत्यय है, ये सारे का सारा जो प्रतीत्य है, जो प्रतीतियां हो रही है सारी की सारी, ये प्रतीति में ही, यही सारा जगत है और कुछ नहीं जगत है। एक चित्त तति, एक ही चित्त के अंदर सारा अद्वैत डालने वाले, न त्रयी परिचितो बुद्धस्त्वम्। तुम त्रयी से, अद्वैत का द्वैत से निषेध, जब जो द्वैत को नहीं सहन करता है वो त्रैत को भी कैसे सहन करेगा, तो तुम त्रयी विद्या जो वेद विद्या है भले उससे परिचित नहीं रहे लेकिन बुद्धस्त्वम्, लेकिन मैं तुम्हारी बुद्धत्व, तुम्हारे बुद्धत्व को चैलेंज नहीं कर सकता हूं। ये संस्कृत का वो पंडित कह रहा है जिसके मुंह से संस्कृत की धारा, लोग कहते हैं कि ये उदिते नैषधीय काव्य कुमाघ कुछ भारवी, ये ऐसा संस्कृत का एक विलक्षण पंडित और इतना प्रतिभाशाली, वो बुद्ध को कहता है कि ये उसमें न त्रयी परिचितोत बुद्धस्त्वम्, इसके बावजूद भी तुम बुद्ध हो, इसका मतलब है कि हम अपने उसमें एक औदार्य के अंदर, संस्कृत का कवि रहे, पाही माम विद्युत कोटि चतुष्कः। और इसमें पहले में उन्होंने विज्ञानवादी का ले लिया है कि तुम, तुम्हारे से विज्ञानवाद का स्कूल चला, तो विज्ञानवाद का स्कूल चलने पर भी तुम अद्वैतवादी, विज्ञानवादी होने के बावजूद मैं तुम्हें बुद्ध मानता ही हूं तुम्हारे प्रति। पाही माम विद्युत कोटि चतुष्कः, और जो चार कोटियां जो थी, अस्ति नास्ति 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 तो अस्ति नास्ति, ये जो चार कोटियां हैं, इन चार कोटियां लोगों की थी, उस बुद्ध के उस दर्शन को भी स्वीकार करते हुए, पंच बाण विजयी षड विज्ञा, तुमने काम को जय कर लिया था सभी तरफ से, तो पंच बाण का विजय करने वाले और छह अभिज्ञाओं वाले हे बुद्ध, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। छह अभिज्ञाएं जो है इनका संस्कृत के टीकाकारों ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, नारायणी टीका को आप देखेंगे तो वहां वो बताते हैं कि
ये छह अभिज्ञाएं क्या हैं, बहुत बहुत दूर का शब्द भी जब आपके उसमें आने लगता है जिसको कोई दुनिया का आदमी नहीं सुन सकता, ऐसा शब्द का श्रवण आप उसको शब्द को आप पकड़ सकते हैं। ये है एक प्रथम अभिज्ञा। दूसरा उसके अंदर शब्द को ग्रहण करना, रूप को ग्रहण करना, परचित्त ज्ञान, दूसरों के चित्त को समझ लेना, इस तरह की छह अभिज्ञाएं जो हैं अणिमादी सिद्धियां, और ये जो उसमें पंच क्लेश का परिहान है, ये सब छह अभिज्ञाओं के अंदर आ जाता है। तो उसमें हर्ष जो है उसको षड अभिज्ञा, छह अभिज्ञाओं का स्वामी मान करके उसको बुद्ध मानने के लिए, और तब तत्र मार्जयिनी त्वयि साक्षात्। लेकिन एक बात है जो बुद्ध कि वो काम संकल्पहीन, उनका कोई ये संकल्प नहीं कि मैं बुद्ध बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं महंत बन जाऊं, मंडलेश्वर बन जाऊं, या ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, पंडित बन जाऊं, ना। मैं उन्होंने जो काम है तत्र मार जय, मार जो है उसे 10 बार मिलता है, कम से कम 10 बार आता है कि अरे छोड़ो अब ये क्या, अब भी साधना में लगे हुए हो, अब भी कर रहे हो, अब भी कर रहे हो, 10 बार आखिर में भी मिला कि अब तुम्हें यशस्विता मिल गई और ये हो गया वो हो गया, तो अब क्या है उसमें, छोड़ो। तो इस तरह की बातें जो है, लेकिन वो मार जो है जिसका काम काम का ही दूसरा नाम मार है, तुम तत्र मार जयनी स्त्वी कुर्वती क्षणगत आत्मनिषेध हो, उस काम को तुमने कैसे भी जय प्राप्त किया, तुमने क्षणिकता के दर्शन और क्षणिकता के दर्शन के द्वारा कि नहीं नहीं ये जो कुछ भी ये वायुधम्मा संखारा वायुधम्मा, हाँ ये जितने संयुक्त पदार्थ हैं ये सब के सब नष्ट होने वाले हैं, ये संखार संक्षय होने वाले सब के सब हैं, इसलिए इसलिए इनको छोड़ो इनको। तो इसलिए वो बुद्ध जो थे उन्होंने काम को विजय प्राप्त क्षणिकता आत्मनिषेध हो तत्र मार जयनी त्वयि साक्षात पूर्वती क्षणिकता आत्मनिषेध हो पुष्प वृष्टि रपतुर हस्तात्, काम के हाथों से पांचों बाण भी गिर गए और देवताओं के हाथों से ऊपर फूलों की वर्षा भी बुद्ध पर हो गई। अब ये संस्कृतिस्ट जो है हाउ ही एवेल्युएट्स स्पिरिचुअल अटेनमेंट, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये वो आदमी है नैष चरित का करता हर्ष, जो बुद्ध को इस प्रकार से इतना महात्म्य प्रदान करता है। ये लोगों को इस पक्ष का बिल्कुल बहुत लोग कम लोगों को ज्ञान होगा, विद्वानों का तो खैर नहीं मैं कहता, पर बहुत कम लोगों को ये पता कि संस्कृत में बुद्ध की स्थिति जो थी वो वैष्णविज्म के कारण ही नहीं दूसरे दर्शनों में, लेकिन किसी भी चीज का परीक्षण करना, वो परीक्षण करने में ये था कि ये जो आस्तिक नास्तिक जो आसपास से जो धाराएं बौद्धिक जो कॉन्सेप्चुलाइजेशन की धाराएं थी उनको हटाने का प्रयास उन्होंने किया कि ये एक कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं शून्यवाद, ये विज्ञानवाद, दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट, ये एक फिलोसफी है, ये दर्शन है, बुद्ध दर्शन नहीं है, बुद्ध एक अनुभूति है, जीवंत प्रमाण है, जीवंतता है, बुद्ध जीने की बात करते हैं कि सब लोग जो हैं कैसे जिए। तो वो उसमें पूछा किसी ने उनसे कि तुमने घर क्यों छोड़ दिया, उसने कहा मैं ऐसे थोड़ा घर दुखी होकर छोड़ दिया, वो क्या नारी मुई घर संपत्ति नासी, ऐसा तुलसीदास वाला नहीं है बुद्ध का उत्तर, संवाद हो यम घरावास हो रजस आयतनम महत, पाली में कहते हैं संवाद हो यम घरावास हो, घर में इच्छाएं इच्छाएं हर वक्त इच्छाओं का ही पहाड़ टूटा रहता है, इसलिए रजस आयतनम महत, घर जो है वो तो रजस का आयतन है, हर वक्त अपनी इच्छाएं फिर दूसरों की इच्छाएं सब इच्छाएं, सब चारों वक्त जब देखता हूं तो धूल ही धूल उड़ती हुई है, रजस आयतनम महत अभा काशो अनुपक्वजी इति दिस्वान पब्बजी। उसे पूछा कि आपने घर क्यों छोड़ दिया, इतनी छोटी उम्र में चले गए, कहा कि अभा काशो अनुपक्वजी जो बाहर का आकाश मैंने देखा वो बिल्कुल निश्चल निष्कलंक निर्विकल्प शुद्ध इति दिस्वान, ये देख करके मैंने निर्णय किया था कि मैं उस अभ्राकाश को अपने भीतर कहीं किसी तरह से ले आऊं, आत्मसात कर लूं, और आत्मसात करने से
ऐसा ही तटस्थ व्यक्तित्व जो नम मार्क्सिस्टों ने अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, बुद्ध उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, तीसरे ने अपनी ओर खींच, वो गुरु को गुरु की बोटियां उखाड़ने लगते हैं। वो उसकी जो मूल चेतना है वो है कि व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को जागरण का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध होने का। इसलिए वो अकेलेपन के लिए सबको अंत में जब देहांत होने लगे, शरीर छोड़ने लगते हैं, तो सबको ये कहा जाता है कि देखो तुम ये चतुष्पथ है, इसमें से अपनी अपनी यात्रा में चले जाओ और इस यात्रा में तुम्हें अकेले ही जीना है, अकेले उस ढंग से जागृत होना है, अकेले ही जागृत होकर के चलना है, इसमें कोई दूसरे का विकल्प नहीं है। इसलिए बुद्ध के दर्शन को उसको जब हम बहुत ज़्यादा दार्शनिक बनाने का उसको जो उस ढंग से उसका एक डिकोडिंग बुद्धा वाली जो बात है, निष्कूटन जब करना होगा तो उस निष्कूटन के अंदर आपको ये देखना होगा कि मूल बुद्ध जो है वो केवल मात्र एक मनुष्यता के अंदर मनुष्य के जागरण की ही एक प्रक्रिया है। वो जागरण जो है जब हो जाता है तो वो सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध बन जाता है। ओम धम्मम शरणम गच्छामि, वो धम्म शरण जो था बार बार उसको कहते येष धम्मो सनातनो, बार बार सनातन सनातन शब्द का येष धर्म सनातन का ही अनुवाद है पाली के अंदर। जब पाली का संस्कृत में कह लिया अगर बुद्धिस्ट ये सुख मिलता हो, लेकिन महाभारत के अंदर ये है येष धर्म सनातन है। तो इसलिए सनातन धर्म का, सनातन धर्म ने बुद्ध को स्वीकार किया, आत्मसात किया पूरी तरह से, लेकिन बुद्ध की मूल चेतना के प्रति संस्कृत वाला जो था उसको, क्योंकि परीक्षा करने की प्रक्रिया वो एक नितांत वैज्ञानिक साहित्य सांस्कृतिक और दृष्टि है और विज्ञान से भी परे जाने वाली अनुभूति परक है, इसलिए उसने उस बुद्धिज्म के ऊपर छाए हुए जो छिलके हैं, दार्शनिकताओं के छिलके हैं, उनको उतार करके उसे लोकना ये यातन देशना लोकनाथा नाम, वही तो लोकनाथ था, वो दार्शनिकों के लिए थोड़ी लिख रहा था, यूनिवर्सिटियों के लिए नहीं लिख रहा था, वो तो आम लोग के लिए जी रहा था। आम लोग के लिए वो कह रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को देखो भाई अपनी यात्रा में तुम्हें कैसे चलना है, आत्मनिर्भर होके चलना है, आत्मावलंबिता स्वावलंबिता न परामुखापेक्षिता, परमुखापेक्षिता नहीं है ये तुम्हारा जीवन। तो इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ आज बुद्ध के दिन हम सभी लोगों को जो इस प्रज्ञा की उपासना में जागृत रहना चाहते हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और कई सारे आयाम आपने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, और विशेष रूप से ये जो परीक्षा वाला पक्ष है कि बुद्ध स्वयं भी चाहते हैं कि उनके वचनों की परीक्षा की जाए, तापा छयदात निक्षा, और संस्कृत का जो पक्ष है वो सभी कुछ परीक्षा करके ही ग्रहण करने वाला है, तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र हाथ में लगा है। और निश्चित रूप से इसके ऊपर हम कभी ना कभी एक ओपन हाउस डिस्कशन रखेंगे कि भारतीय परंपरा में परीक्षा जो है, क्रिटिसिज्म जो है, एवेल्युएशन जो है, उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं और उसको हम कैसे एक प्रारूप प्रदान करें जो कि आज के युग में उपयोगी हो। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी को, जो कि प्रोफेसर ऑफ बुद्धिज्म हैं मगध यूनिवर्सिटी बिहार शरीफ बिहार में। उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वो भी अपनी श्रद्धांजलि और हमारा मार्गनिर्देशन करें और अपनी करें महात्मा बुद्ध के लिए। डॉक्टर अविनाश वस्तुतः बीच में मैं डिलिंग हो गया था, तो तुरंत मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। जी जी जी, तो आपसे निवेदन है कि आप अपना जो श्रद्धा सुमन है भगवान बुद्ध के लिए और हमारा मार्ग निर्देशन है वो आप हमारे लिए करें, और फिर उसके बाद हम ओपन हाउस डिस्कशन शुरू करेंगे। नमो तस्स अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आदरणीय रमाकांत अंगिरस जी,
रविंद्र गुप्ता जी और यहाँ पर उपस्थित आशुतोष जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्वत जन, आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन हर बौद्ध विचारक का ये कर्तव्य होता है कि उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो सबसे अच्छा उपाय है, उनके विचारों को प्रकाशित करें, क्योंकि कालांतर से जो चीजें हमारे पास आते जा रही हैं वो धीरे धीरे या तो लुप्त हो जाती हैं या उसके ऊपर इतने आवरण चढ़ जाते हैं कि उसको हम समझ नहीं पाते हैं और उसके अर्थ का हम अनर्थ करते चले जाते हैं। और यही स्थिति बुद्ध के साथ भी हुई। आरंभ में जैसा कि हम जानते ही हैं कि बुद्ध 3 बार अपने घर से बाहर निकले, वे एक राजकुमार थे और उनके पास समस्त प्रकार के सुख भोग की चीजें उपलब्ध थी, उनके जो है 3 आगार हुआ करते थे हर ऋतु के लिए और बहुत सारे सुख सुविधा की चीजें थी। लेकिन वो जब वो घर से निकलते हैं तो उनकी भेंट एक रोगी पर पड़ती है और बड़े विचलित हो जाते हैं और छंदक से पूछते हैं कि यह कौन है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में किसी रोगी को देखा नहीं था। उन्होंने कहा कि महाराज, यह रुग्ण व्यक्ति है और इस ये बीमार हो गया है और इस कारण ही यह इतना छटपटा रहा है और परेशान हो रहा है। बुद्ध बड़े ही कोमल हृदय के व्यक्ति थे। कहा, छंदक, घर लौटो, मेरे मन में बेचैनी हो रही। फिर कालांतर के बाद बाहर जब निकलते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति से उनकी भेंट होती है। उन्होंने कहा कि छंदक, ये कौन है? कहा कि महाराज, यह व्यक्ति की आवश्यक गति है, एक निश्चित समय के बाद उसकी शरीर की इंद्रियां क्षीण होने लगती है, अशक्त होकर वह रुग्ण हो जाता है और बूढ़ा भी हो जाता है और इसी प्रकार दंड के आधार पर वह चलता है। और बुद्ध विचलित हो जाते हैं, लौट चलते हैं अपने घर की ओर। और अंत में जब 3री बार निकलते हैं तो उनकी भेंट होती है एक शव यात्रा में जाते हुए व्यक्ति, मैंने शव यात्रा में। कहा कि ये क्या है छंदक? कहा कि यह मनुष्य की अंतिम बारात है, यहाँ से जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, क्योंकि रुग्ण, वृद्ध और के उपरांत यह व्यक्ति जो है सब सारे दिनों के लिए इस विश्व को छोड़कर चला जाता है। और बुद्ध बड़े दुखी हो जाते हैं और तब वह निकल पड़ते हैं, माने कुछ दिनों के उपरांत वह इस दुख से मुक्ति की युक्ति के अन्वेषण में वह निकल पड़ते हैं। परिणाम यह होता है कि उन्हें 2 गुरु के पास उनके जाना पड़ता है, एक उदक्क रामपुत्र है और दूसरा है, और इन दोनों गुरुओं के अंतर्गत इन्होंने बहुत सीखा और इनके साथ 5 भिक्षु और हुआ करते थे। एक दिन क्या होता है कि साधना के क्रम में इन्होंने कुछ दाने उबाल करके भूख लगने पर पी लिए थे, वो इनको छोड़कर चले जाते हैं और इनकी साधना वहीं से आरंभ होती है। और उदक रामपुत्र जो है जब नेव संया न संया की स्थिति में पहुंचते हैं, बहुत सारे उसके योग किए हैं, वहां पहुंचने के उपरांत कहते हैं कि इसके बाद की यात्रा तुम्हें स्वयं तय करनी होगी। और इसके बाद वो उनसे आगे बढ़ते हैं और बोध गया में आकर के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने के उपरांत जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह ज्ञान कि उन्होंने वस्तुतः संपूर्ण विश्व में वितरित किया। अब वहां प्रश्न खड़ा होता है कि वो ज्ञान क्या था। तो मूल रूप से उन्होंने वो पहले तो उसको रोक कर रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा कथन आता है कि अनेक देवी देवताओं, यहां तक कि ब्रह्मा भी आकर के उनसे विनती करते हैं कि तुम इस प्रकार की ज्ञान की जो तुम्हें प्राप्ति हुई है, आपको प्राप्ति हुए, उसे आप बता दें। और तब वे निर्णय लेते हैं कि मैं पहले अपने उन 2 गुरुओं को बताऊंगा, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है
और वो सारनाथ जाते हैं और वहां पर उन्होंने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ है। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ होता है कि जो सदियों से चली आ रही ज्ञान और अध्यात्म की परंपरा रुक गई थी, उसका चक्र अवरुद्ध हो गया था, उसका उन्होंने पुनः परिचालन किया है और वहां पर पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने अपना ज्ञान दिया है। और वह ज्ञान था दुख हैं, दुख के कारण हैं, दुख दूर किए जा सकते हैं और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा और दुख दूर करने के मार्ग भी। इस क्रम में यह स्पष्ट कर देना अपेक्षित प्रतीत होता है कि यह जो उन्होंने ज्ञान प्रकट किया है चार आर्य सत्यों का, यह ज्ञान योग शास्त्र में और आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता में पहले ही से था। वहां था चतुर्व्यूहवाद, हेय, हेय क्या है, हेयं दुखं अनागतं। दूसरा हेय हेतु यानी दुख के कारण भी हैं। तीसरा यह दुख दूर किए जा सकते हैं, हेय को हटाया जा सकता है, रोग मुक्त भी हो सकते हैं। और तीसरा चौथा है भैसज्यमिति, और इसके आधार पर बुद्ध ने अपने चार आर्य सत्यों की परिकल्पना की। और इन चारों आर्य सत्य की परिकल्पना के क्रम में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जो हमारे आशुतोष अंगिरस जी ने कहा, नहीं वेरे न वेरानी संबंती धा कुदाचना, उन्होंने कहा कि यह मन ही है जो मनुष्य को विश्व में लपटाता है, उसे प्रदूषित करता है और उसे फिर बंधन में डालता है। और इसलिए सबसे पहला कार्य है कि मन को नियंत्रित करें। वे कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा से प्रसन्ने न पदुठे न भासति वा करोति वा ततो वा दुख मन वेती चक्कंग वा बहते पदंग। अगर मन अशुद्ध मन से कोई कार्य करता है, प्रदूषित मन से अगर कोई कार्य करता है, तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करती है जिस प्रकार बैल का पीछा बैलगाड़ी का चक्का करता है। और दूसरे में उन्होंने कहा है कि मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्ने न भासति वा करोति वा ततो वा सुख मन वेति छाया वान पायनी। मन अगुआ है, सभी चीजों का प्रधान है। अगर कोई अप्रदूषित मन से, प्रसन्न मन से अपने कार्यों का संपादन करता है तो सुख उसका उसी प्रकार अनुसरण करती है जिस प्रकार मनुष्य का अनुसरण उसकी छाया करती है। तो इस प्रकार सबसे पहली जो बाद में आ जाता है मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधन मोक्षः, तो ये भी बात जो है वहीं से आरंभ से ही लिया गया है, क्योंकि माइंड को ही कंट्रोल करना बुद्ध का सबसे पहला लक्ष्य था, क्योंकि मन ही उसे बंधन में डालता है, दुष्कर्म कराता है और सारे संतापों को उसके साथ जोड़ देता है। और जो अभी अंगिरस जी ने आरंभ में जो बातें कही उसके पहले जो उन्होंने कहा है कि हम हर समय यह सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा कहा, उसने मुझे गाली दी, उसने ये किया। कहते हैं कि अकोची मंग अवधि मंग सर आप म्यूट हो गए डॉक्टर अविनाश जी। सर हाँ मैं संक्षिप्त में ही कहूंगा। तो इस प्रकार वो उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, अकुछी मंग अवधि मंग अजीनिंग मंग हासी मंग ये तंग न उपनिहति वेरन तेसु पसंदती। अगर इस प्रकार की बातों को अपने मन में हम रखे रहेंगे तो हमारा वायर का नाश नहीं होगा। और अंत में वो कहते हैं नहीं वेरे न वेरानी संबंती धा कुदाचना अवेरे न च संबंती एसु धम्मो सनंतरो। हम वैर से वैर का नाश नहीं कर सकते, इस प्रकार की प्रतिशोधगामी चिंतन से इन सारी चीजों का विनष्ट नहीं कर सकते, हमें निर्वैर का पालन करना है। और यही मूल रूप से उनकी शिक्षा रही है कि किस प्रकार मनुष्य के हृदय में जो संताप है, दूसरे के प्रति वैर का भाव है और अनेक प्रकार के विचारों का, जब तक हम प्रहार नहीं करेंगे त
तब तक हम ये मुक्ति की युक्ति हमें नहीं प्राप्त होगी। और तब जो उन्होंने बात कही है, क्योंकि हमने सुना था कि महाभारत काल में युधिष्ठिर जब प्यास लगती है और अपने भाइयों को भेजते हैं और वो नहीं लौटते हैं, तो ये भी तालाब के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर एक यक्ष मिल जाता है और उन्होंने प्रश्न किया, किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा कि मनुष्य एक वध स्थल में घूम रहा है, चारों ओर मृत्यु का तांडव हो रहा है, फिर भी वह अमृतत्व की कामना करते हुए समस्त प्रकार के कार्यों को करता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। वह यक्ष बुद्ध से आकर पुनः मिलता है काल परिवर्तन के साथ, उसके प्रश्न में भी परिवर्तन आ जाता है और तब वह बुद्ध से पूछता है, अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता पजा तंग तंग गौतम पुच्छामि कोई में विजटे जटन। हे बुद्ध, हमारे चारों ओर जटाएं हैं, अनेक प्रकार की दुष्कर्म और इस अनेक संतापों को हम झेल रहे हैं, अंदर में भी हैं जो मन के अंदर चल रहा है, बाहर में भी जो क्लेश हमें मिल रहा है वह भी है। हे बुद्ध, तुम यह बताओ कि किस प्रकार हम इन जटाओं को, इन दुखों को, इन क्लेशों को, इन बंधनों को हम उच्छेद कर सकते हैं। और तब बुद्ध ने, उन्होंने जो व्याख्या की है वह बड़ा ही सुंदर है। वो कहते हैं, सीले पतिठायो नरो सपयो चित्तं पय्यंच भावयं आतापि निपको भिक्खु सो इमे विजटेत। और उसमें तीन बातों की उन्होंने चर्चा की है। पहला है, सीले पतिठायो नरो सपयो, सबसे पहले मनुष्य को अपने आप को सील संपन्न कर लेना। और सील संपन्न कब होता है? क्योंकि हम सील की बहुत अच्छे, तो हमारे पास जो प्रज्ञा सहित सील जो आ जाता है, ज्ञान युक्त सील जब हमारे पास आता है तो हम उसके साथ आरंभ करते हैं। और यह प्रज्ञा एक कर्मणा कर्मज प्रज्ञा होती है, जो पुराने काल से, पिछले जन्म से जिस प्रज्ञा की हम बात कर, माने जो प्रज्ञा हमें प्राप्त होती है उसके आलोक में हम नैतिक आचरण करते हैं। और इस प्रकार जब हम परिशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए बुद्ध ने बात की है परिशुद्धियों की, क्योंकि जब तक हम अपने आप को मानसिक और वाचिक और शायद शारीरिक रूप से परिशुद्ध नहीं करते हैं, तब तक हम योग के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं। और तब चित्तं पय्यंच भावयं, चित्त को उससे प्रज्ञा से, कर्मज प्रज्ञा से के आलोक में कार्य करता रहना चाहिए। और तब वह समाधि की स्थिति में प्रयुक्त होता है। और समाधि के अनेक अवस्थाएं हैं, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। और उस प्रकार जब हमारा मन शांत होने लगता है तो उसके बाद पुनः जो है ज्ञान का जागरण होता है। योगा वे जायते भूरी, समाधि से जो ज्ञान उत्पन्न होता है और उससे जो प्रज्ञा का जागरण होता है, उसके आलोक में जब हम अपने समस्त मानसिक, शारीरिक और वाचिक कार्यों का संपादन करते हैं तो हम मुक्त होने की स्थिति में आ जाते हैं। और धीरे 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 हमारा जो शरीर जो है पुराने कर्म संस्कारों के आधार पर चलता रहता है, नए संस्कार तब ज्ञान युक्त कर्म के, प्रज्ञा आधारित कर्म से नहीं प्रजनित होते हैं। और जब पुराने संस्कार हमारे समाप्त हो जाते हैं तो हम एक ऐसी स्थिति में होती है, शरीर का पतन हो जाता है और हम मुक्ति की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। नमो तस्स अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज उनके श्रद्धा सुमन के लिए इन्हीं शब्दों का करके अपने वाणी को विराम। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही स्पष्ट और बिल्कुल जो बुद्ध का तत्व है, बुद्ध के जो प्रतिपादन है उनको बड़े स्पष्ट रूप से आपने व्यवस्थित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वाकई एक बार फिर आपने उसको हमारे सामने एक पूरा प्रारूप जो प्रस्तुत किया है उसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर सुभाषिनी बारिक जी भी जुड़ी हुई हैं, वो भी प्रोफेसर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज की हैं, और लेकिन उनसे पूर्व मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर रविंद्र कुमार गुप्ता जी
क्योंकि उनका पक्ष जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, और डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध, उनका बड़ा गहरा संबंध रहा है, उस पे वो अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझा करना चाहेंगे विचार सर। धन्यवाद अशोक जी। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रोफेसर अंगिरास जी, प्रोफेसर अविनाश जी, आप भी और अन्य सभी प्रतिभागी जो कि भगवान बुद्ध की प्रबुद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रतीक रूप में, उन सब का नमन करता हूँ। और मैं थोड़ा सा एक नया आयाम केवल इतना ही जोड़ना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान में भगवान बुद्ध की प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व सिंबोलिज्म और भगवान बुद्ध इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यदि आप देखें, आपको मालूम कि भारतीय संविधान के जो 22 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय के पहले जो मूल संविधान है उसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, और उनमें भगवान बुद्ध का चित्र जो है वो 5वें अध्याय में है, यानी कि कार्यपालिका, यानी कि शासन कार्य। हालांकि उसमें राष्ट्रपति अन्यों के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसके मूल तत्व क्या है कि राज्य कैसे शासन करे। तो इसलिए भगवान बुद्ध शासन के प्रतीक के रूप में है। और इसके ऊपर यदि आप देखें, जब भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर चर्चा हुई है, तब तो विस्तार से अनेक वक्ताओं ने अपनी बात कही, और जिसमें सबसे ज्यादा जो है प्रतीक के रूप में भगवान बुद्ध को ही लिया गया था। समय को देखते हुए बहुत संक्षेप में कुछ उदाहरण दे रहा हूं क्या कहा गया था भगवान बुद्ध के बारे में प्रतीक रूप में। सबसे पहले ये है श्री वी आई मन्नी स्वामी पिल्ले, उन्होंने कहा, मैं सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ के समावेश का भी स्वागत करता हूँ। महात्मा बुद्ध की महान व्यवस्था के पश्चात अशोक ने मानवता के लिए समस्त सहानुभूति से भी सर्वोपरि महान पंचशीलम हमें प्रदान किया है। वे आगे कहते हैं, मैं समझता हूं कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांत का कि जिसने की पीड़ित जन समाज के लिए महान सहानुभूति का वास्तविक प्रदर्शन किया है, यथार्थ रूप में पालन किया जाएगा। इसके बाद आता है सर श्री बालकृष्ण शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि स्वयं भगवान बुद्ध ने कहा, चरे वेति मिखवे चरे वेति, सतत प्रयास करते जाओ, करते रहो, और बार बार करते जाओ, विश्राम का स्थान नहीं है। इसके बाद आता हूं सर मैं पंडित गोविंद मालवीय, वे कह रहे हैं, हिंदुओं के यहाँ अवतारों का बहुत महत्व है, जब संसार में उनकी आवश्यकता होती है तभी भगवान अवतार हुआ करता है। जब संसार में कष्ट, बुराई और आफत अधिक हो जाती है, जब यह जरूरी हो जाता है कि संसार को फिर से नए सिरे से अच्छे मार्ग पर लाया जाए, तो हिंदुओं का विश्वास है कि ईश्वर के विशेष अंश के लिए हुए किसी व्यक्ति विशेष का अवतरण होता है और उसे लोग अवतार कहते हैं। हमारे यहाँ कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, उन्हीं भगवान कृष्ण का आम प्रसिद्ध देवी शस्त्र सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र को नहीं जानता, वही चक्र इसमें विद्यमान है। इसी तरह जिस भगवान बुद्ध का स्मरण प्रत्येक हिंदू अपने संकल्प में बुद्ध अवतार कहकर नित्य हर बार करता है, उन्हीं भगवान बुद्ध का चिन्ह रूप धर्म चक्र इस झंडे के बीचों बीच इस चक्र के रूप में नाच रहा है। फिर आते हैं सर श्री लक्ष्मी नारायण साहू, वे कहते हैं, जब मैं इस झंडे को अशोक और भगवान बुद्ध के नाम से संबंधित जहां देखता हूं, तो मुझे यह याद आ जाता है कि हमारे देश कलिंग में अशोक को अहिंसा का एक सुंदर उपदेश दिया। उड़ीसा में आज भी अशोक के दो शिलालेख संसार को यह बताने के लिए खड़े हुए हैं कि जाति, धर्म तथा राष्ट्र का भेदभाव किए बिन हमें समस्त देशों की तथा समस्त मानव समाज की सेवा करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। जैसा कि अविनाश जी ने भी कहा था, उसी बात को वो कह रहे हैं कि
कि मैं यह अनुभव करता हूं कि यह झंडा वास्तव में हमारा केवल राष्ट्रीय झंडा ही नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि चक्र अनंत चक्र का द्योतक है। तो इस प्रकार से मैं समझता कि हमारे संविधान में भगवान बुद्ध के शिक्षाओं का तात्विक रूप से ग्रहण किया गया है, और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में भी उन मूल भावनाओं को रखते अनेक प्रावधान भी हैं, जो और वो एक अलग विषय और विस्तृत हो जाए, इसलिए उस पर नहीं मैं चर्चा कर पाऊंगा इस समय, कि जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित कहे जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद तो डॉक्टर साहब आपका है कि आपने ये बिल्कुल एक नया पक्ष हमारे सामने रखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट्स हुई हैं और उनमें जो बुद्ध को लेकर के चर्चा हुई है, बहुत सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई है, और उसमें से एक पक्ष जो आप लेकर के आए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का, कॉन्स्टिट्यूशन का पांचवा भाग, तो उसमें बुद्ध को किस तरह से सिंबलिज्म के रूप में रखा गया है, और वो सारा का सारा जो भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का पांचवा, वो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित है, इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए और एक नई दिशा देने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद है। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने अन्य प्रतिभागी हैं वो अपनी इच्छा से यदि कोई बात रखना चाहते हैं, जैसे प्रोफेसर सुभाषिनी जी हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा से हैं और बुद्धिज्म के ही वो प्रोफेसर हैं, साथ में प्रोफेसर बीना अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यदि वो लोग अपनी बात रखना चाहें, या डॉक्टर राजेंद्र सी के झा जी। मैडम सुभाषिनी जी आप सुन पा रहे हैं? सर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सर। निश्चित रूप से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से ही है ना? नहीं सर, सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी देशबंधु कॉलेज से हूँ, और मैं बुद्धि स्टडीज की नहीं हूँ, मैं फिलोसफी पढ़ाती हूँ। जी जी, मुझे कहीं थोड़ा ध्यान गड़बड़ा गया। जी कृपया प्लीज। थैंक यू सो मच सर। बुद्ध पूर्णिमा की अवसर पर प्रथमतः मैं तथागत बुद्ध को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जन को मेरी नमन। बुद्धिज्म की प्रोफेसर तो नहीं हूँ, बहुत कुछ मैं आज सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूँगी, क्योंकि बारी बारी से आप मेरे पास ये भेजते हैं, और जब भी समय मिलता है मैं ज्वाइन करती हूँ और कुछ जानने की कोशिश करती हूँ। और आज मुझे पहले तो मैं बताऊंगी, आपने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया, प्रोफेसर रमाकांत सर को सुनने से पहले आपने जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही वाली बात है, ज्यादा मैं जिज्ञासु हूँ बुद्ध को जानने की, और मुझे जहाँ तक लगता है कि बुद्ध वही जो चार आर्य सत्य से शुरुआत होती है दुखों को, क्योंकि एक आम इंसान होने के नाते हम सुख के बारे में कभी बात तो करते नहीं है, लेकिन दुख हमें हमेशा दुख देती है, और कहीं ना कहीं दूसरे ओर सोचने के लिए अपने मन में एक जिज्ञासा प्रस्तुत करती है, और कहीं ना कहीं वो चीज बुद्ध में नहीं था। उन्होंने जैसे जैसे देखा, जैसे अविनाश सर ने बताया कि जो तीनों बार वो बाहर निकलते हैं, उनकी उस सुख की दुनिया से बाहर निकलते हैं, और जो जो चीजें उनके सामने आती है, और उसकी जिस तरह से उनकी मन को प्रभावित करता है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो उसकी खोज में कि इसके कारण क्या है, उसकी खोज में वो बाहर जाते हैं, अल्टीमेटली बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी कि सर्व दुखं से शुरू करके जो आपने सर्व शून्य तक पहुंचे हैं, मुझे लगता है इस जागतिक दुनिया से हमारी जर्नी, हमारी यात्रा शुरू होती है, और कहीं ना कहीं हम निर्वाण के ओर जाते हैं। और जिस तरह से हमारे सामने न्याय
और वेदांत की जो क्रिटिसिज्म आती है, लेकिन अल्टीमेटली हम जब दसवतार में बुद्ध रूप को परिकल्पना करते हैं, वो करुणा की अवतार मानते हैं, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली करुणा को अपने ऊपर प्राप्त कर लेने से प्रत्येक इंसान में उसी प्रकार की एक अवस्था, मानसिक अवस्था आ पहुंचेगी जहां वो अपने आप को ब्रह्म के साथ विलीन करने की कोशिश कर सकते हैं, जो ब्रह्म विहार में बुद्ध बताते हैं, जो तीनों चारों ब्रह्म विहार की जिक्र होती है बुद्धिज्म में। उस ब्रह्म विहार को अगर हम देखें, उनकी वो एथिकल पार्ट है, और उस ब्रह्म विहार में करुणा का एक बहुत बड़ा पहचान है। वो करुणा हम प्रत्येक मनुष्य अगर अपनी ऊपर करुणा भाव से हरेक के साथ पेश आए, तो उसके सामने कभी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आएगी नहीं। और इस हिसाब से मुझे लगता है करुणा का ये अवतार कहीं ना कहीं वो उसी तरह से विष्णु के अवतार को परिकल्पना किया गया है, क्योंकि मैं भी इस तरह की खोज में हूँ। मतलब मुझे बल्कि मैं यहाँ उपस्थित हर एक से ये जानना चाहूंगी कि बुद्ध अवतार की जो परिकल्पना किया जाता है, और जगन्नाथ जी को हम बुद्ध की अवतार भी हम मानते हैं, और उसी तरह से हम उसको उनको देखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ अगर मुझे उसके ऊपर भी कोई बता सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्ते जी। धन्यवाद मैम। और एक शब्द और बड़ा सुखद शब्द है बुद्धिज्म का, वो है प्रत्येक बुद्ध। तो ये बुद्धिज्म का एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा सुखद शब्द है कि प्रत्येक बुद्ध जब तक स्वयं में बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होता, तो प्रत्येक बुद्ध की अवधारणा जो है वो बड़ी सुंदर है। बुद्ध तो, एक नाम नहीं है, बुद्ध एक कंसेप्ट है, अवधारणा है, जी, और वो अवधारणा हर एक में है। हाँ, तो वो प्रत्येक बुद्ध जो है वो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। जी थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ मैं, जो मैडम ने कहा उनके संदर्भ में। मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाह रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पहली बात कि यह एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि प्राचीन भारत ने जिन दो सर्वश्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया था वे थे कृष्ण और बुद्ध। दूसरी एक जगह और कह रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद जी भगवान बुद्ध के उदाहरण को देकर, बुद्ध की स्थिति एक सिद्धि है, वह एक व्यक्ति नहीं है। सचमुच समस्त संसार में वे ही एक ऐसे मनुष्य थे जो सदैव नितान प्रकृति स्थित रहे। जितने मनुष्य ने जन्म लिया है उनमें अकेले एक प्रबुद्ध मानव। ये दोनों कथन स्वामी विवेकानंद जी के हैं जी जी महात्मा बुद्ध के लिए। ओके, बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ, जो प्रत्येक बुद्ध यानी प्रत्येक बुद्ध की जो परिकल्पना है वो इस तथ्य का संकेतक है कि एवरीवन इज पोटेंशियली अ बुद्ध। यस यस बिल्कुल। एंड ही इज बाउंड टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दैट, मतलब फ्रॉम दिस बॉन्डेज, एंड फॉर दैट ही विल हैव टू फॉलो द पाथ प्रिस्क्राइब बाय द बुद्ध। और दूसरी बात, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बुद्ध ने स्वयं कहा है कि तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथागत हो। तथागत या आपके गुरु मात्र आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उस मार्ग पर आपको स्वयं चलना है। और जब तक यह मानसिकता आपकी विकसित नहीं होती तब तक आप पृथक जन बने रहेंगे। प्रत्येक बुद्ध की श्रेणी में आने पर आप अपने अंदर के जो पोटेंशियल बुद्ध हैं उनको जागृत करने की परिकल्पना नहीं आती है, तब तक आप पृथक जन बने रहते हैं। थैंक यू सर, यही टिप्पणी में चाहता था। अविनाश जी ने जो कहा है सर, इसीलिए इसी भाव को मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने अपनी मैगजीन निकाली थी और उनसे पूछा गया था स्वामी विवेकानंद क्या रखा जाए, तो उन्होंने उस पुस्तक का नाम प्रबुद्ध भारत रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रबुद्ध शब्द की ध्वनि से प्र प्लस बुद्ध, बुद्ध के सहित है। जी राइट, बहुत बढ़िया। किसी और की कोई टिप्पणी हो, कोई अपनी बात रखना चाहता हो? मैम तृप्ता जी, अपने को अनम्यूट करना होगा मैम।
हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर मैं सुन रही हूँ। जी पहले बोल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोटि कोटि प्रणाम आपको और उन सभी महानुभाव को जो इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सबको एनलाइटन कर रहे हैं। मैं भी जैसे अभी एक मैडम बोल रहे थे तो मैं भी एक क्यूरियस इसमें पार्टिसिपेंट हूँ। मेरे मन में भी ये सब जानने की बहुत ही एक जिसे हम कहते हैं तीव्र इच्छा कि भी ये जो संसार है जिसमें मैसेज आ रहा था कि किस तरह से उन्होंने ये बुद्धा जी ने ये मैसेज दिए हैं कि हम अपने दुखों से कैसे निवारण कर सकते हैं, तो बस वही सब चीज़ों को जानने के लिए हमारी भी जिज्ञासा है। जी बहुत कुछ तो इसके बारे में हमने प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे लेकिन करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं इसका पार्ट बनी हूँ, मैंने इसलिए ज्वाइन किया है। तो थैंक यू बस मैम। मेरी मेरी आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं तो जानने वालों में हूँ, मेरी सबमिशन ही है, मेरी मेरा कोई प्रश्न नहीं, मेरा तो जी सबमिशन है कि भाई जी किस तरह से ये जो बुद्धा का, जैसे अभी मैडम ने भी कहा ना कि जगन्नाथ जी का हम उन्हें अवतार मानते हैं, हमने भी काफी सुना है इस चीज के बारे में कि कृष्ण भगवान का ही अवतार मानते हैं उनको। तो जी मैंने इस संसार में जहाँ जहाँ हम बहुत, एक तरफ से तो हम ये कहते हैं ना कि भी हमें जो लिखा है वही होना, जैसे भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं तो वो यही कहते हैं कि भी आप जो भी हूँ मैं ही हूँ, जो जी भी जी कुछ है मेरा ही है, और चाहे वो पशु पक्षी जीव कुछ भी है तो मेरा ही है, जी मैं जी ही करवाता हूँ, मैं ही रचैया हूँ, मैं ही चलाने वाला हूँ। दूसरी तरफ वो साथ में कर्म की थ्योरी को भी लाते हैं कि भाई अगर जैसा कर्म आप करते, इवन स्वामी विवेकानंद जी का भी है इस तरह का ही कि भी आपके कर्म जो हैं आप के कर्मों के मुताबिक ही आपको फल मिलेगा और जो कुछ आप करते हैं, तो ये ठीक जो है ठीक है। कंट्रोवर्सी है ना सर, बस ये मैं चाहती हूँ कि नहीं इसको ये आप थोड़ा। कंट्रोवर्सी वाला तो नहीं है कुछ, लेकिन चलो इस सारे विषय को लेंगे, जल्दी ही इसको टेकअप करेंगे। हाँ जी किसी और का कोई टिप्पणी हो, कोई पक्ष हो, कुछ कहना चाहते हो आप में से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि सबसे मैं परिचित नहीं हूँ, यदि किसी की कोई टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक संक्षिप्त सा निवेदन प्रोफेसर रमाकांत जी को करूंगा कि बहुत संक्षेप में जो है एक टिप्पणी जो है कि इसको कंक्लूड हमारे लिए कर दें कि इस सारे जो आज की चर्चा रही है और इतने सारे पक्ष उभर कर आए हैं और लोगों की जिज्ञासाएं भी हमारे साथ साझी हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी और आशीर्वचन दे दें हमें, और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर कमलेश जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें जो कि इस सेमिनार की कन्वीनर हैं। जो वक्तव्य था वो तो बड़ा जी अच्छा, विद्वान लोगों ने बड़ा अच्छा प्रस्तुत कर दिया है, तो लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि एक जो बहुत बड़ा इससे में जो महाप्रश्न है हमारे सम्मुख, वो प्रश्न है एक संपूर्ण मनुष्यता की, एक सुरक्षा और उसके अग्रसर होने के उपायों का, क्योंकि बहुत सारा व्यवधान उसके अंदर, बहुत सारे अतिवाद आ गए हैं, उन अतिवादों से बचने के लिए ये जो मध्यमा प्रतिपदा की बात की थी उन्होंने, मध्यम मार्ग जी हाँ, इस पे चर्चा नहीं हुई। के ऊपर चर्चा बिल्कुल नहीं हुई, और जी ये मध्यमा प्रतिपदा, क्योंकि अतिचार जो है वो अनाचारस्तु मालिन्यम अत्याचारस्तु मूर्खता,
अनाचार कुछ भी नहीं करना कहता है, ये मलिनता पैदा करता है, गंदगी ले आता है जी। अत्याचारस्त मूर्खता और ओवर उसमें ये हर चीज के अंदर जो टेक्नोलॉजी के उससे पूरे का पूरा जो एक अतिचार बढ़ रहा है वो अत्याचारस्त मूर्खता। विचाराचार्य और युक्त सदाचार सबुच्यते, ये सम्यक की जो बात आपने की, विचार और आचार का जहाँ पर एक सम्मिलन होता है, जो मैं जितना सोचता हूँ वो मेरे जीवन में उतना उतर आए, ये एक बुद्ध प्रज्ञा का एक मूल सूत्र प्रारंभिक सूत्र है कि मैं पुस्तकों के ऊपर, ग्रंथों पर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, ये सब जगह एक उंगली पकड़कर चलने का मेरा स्वभाव बन चुका है। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ऐसे ही चलता है, उसे कोई एक सहारा चाहिए कोई ना कोई उसमें। तो अब बुद्ध जो है वो उसके स्वयं अतिचार में चले गए और उन्होंने जो दुख की बात भी सुनी थी, उसका जो आराध कलाम थे और वो रामपुत थे, वो दोनों ही, एक सांख्य का विद्वान था, दूसरा योग का विद्वान था। सांख्य का दर्शन था मूलतः दुखवाद का दर्शन, ये सर्वम दुखम, ये सब जो है दुख त्रय विघाता जिज्ञासा, दुख त्रय का विघात, सर्वत्र दुख ही दुख है प्रकृति के अंदर, इस प्रकार का सांख्य का दर्शन था। और कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध जो थे उन्होंने रदाचार्य से सांख्य का अध्ययन किया, कुछ आराण कलाम से कहते हैं, तो वो क्या था, लेकिन वो एक मैसेज है। उस मैसेज को प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार से जीना है और जहां जहां वो खड़ा है वहां वहां पर उसको स्वयं अपनी दृष्टि से देखना है कि अनाचार और अत्याचार दोनों से हम कैसे बच सकते हैं। जब अनाचार और अत्याचार से हम बचेंगे तो बीच में, दोनों के बीच में आएंगे तो मध्यम मार्ग का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो शैव लोग भी ये कहते हैं मध्य विकासा चिदानंद लाभ, ये मध्य मार्ग का जब विकास होता है तो चेतना और आनंद का प्रकाशन हो जाता है। तो मध्य मार्ग का ये है कि हम अपने व्यक्ति जीवन में और अपने समष्टि जीवन में ये ध्यान रखें कि ये मध्यमा प्रतिपदा क्या है, उसमें वैचारिक दृष्टि से हम अतिचार में भी जब चले जाते हैं तो उसके अंदर हम एक ऐसा एक हमारी बौद्धिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन के चक्कर में पड़ते हैं, और दूसरे की श्रद्धावान होते हैं तो श्रद्धा का अर्थ है अग्नि, श्रद्धा अग्नि समिध्यते, श्रद्धा अग्नि रूप है, परिप्रश्न सेवा, श्रद्धा के अंदर परिप्रश्न रहता है, लेकिन जब परिप्रश्न उसमें से चला जाता है और वो श्रद्धा रह जाती है तो वो एक प्रकार का ऐसे व्यायाम बन जाता है। इसलिए हम परिप्रश्न श्रद्धा, परिप्रश्न और उसको आचार में लाने का जब हमारा एक जो प्रयास है वो हमें मध्यमा प्रतिपदा की, बुद्ध ने इसीलिए सम्यक शब्द का प्रयोग किया था, ये सम्यक मार्ग जो है उसमें जब चलेंगे तो दुख का, दुख निवृत्ति का उपाय भी हो जाएगा। निर्वाण का मतलब वहां बुझ जाना नहीं है, मैं समझता हूँ जैसे आमतौर पर ये लोगों ने उस समय स्वयं अर्थ कर लिया निर्वाण का, कि निर्वाण के दीपो यथा निर्वृत्ति मध्युपाई, तो बुझ करके जीना है, बुझे हुए तो फिर जीना ही नहीं है, बुझ करके जीना तो जीना नहीं है। मध्य मार्ग जो है उसमें हम कैसे उसका सेवन करें, और ये उनका जो आने के बाद अपनी समस्त तपश्चर्या के बाद उन्हें समझ में आया, उसके अंदर जातक कथाओं के अंदर एक मैसेज उनका जो है वो बड़ा ही मार्मिक है, एक मैसेज है जैसे परोसतन चेपि समायतानम झायेयुम वत्ससतम अपंजा। अपंजा शब्द जो है वो संस्कृत की अप्राज्ञा का ही रूप है। परोसतम चेपि समागतानम, सैकड़ों से भी ज्यादा लोग वो कहते हैं परोसतन चेपि समागतानम, सैकड़ों से अधिक लोग बैठ करके झायेयुम वत्ससतम अपंजा, अप्राज्ञ लोग वो 100 साल भी उसमें ध्यान करते रहे। झाजे जुम जो है वो ध्याय जुम का ही है, एकोब से जो, लेकिन एक भी ऐसा पुरुष
वो जो विजानाति अर्थम, जो अर्थ को समझता है कि बुद्ध ने संकेत किशोर किया, उस संकेत को पकड़ने का प्रयास करता है। जी वो माथा ही नहीं टेकता है, सिर्फ वो माथा टेकता है इसलिए कि उसको वो बात समझ में आ जाए। तो श्रद्धा के साथ परिप्रश्न का समावेश जब हो जाता है तो बुद्ध उस प्रयोग के ऊपर, उस प्रयोग प्रणाली के, एक उन्होंने जो सनातन धर्म, ये धम्मो सनातनो, ये धम्मो अकालिको, ये अकालिक शब्द का बार बार कहने के पीछे अर्थ क्या था? ये धम्मो सनातनो, ये धम्मो अकालिको, तो ये धम्म जो है, अकालिक धम्म जो है, वो धर्म का मार्ग जो है वो कोई रिचुअल मार्ग नहीं है, ना वो केवल मात्र कोई फॉलोइंग का मार्ग है कि हम केवल एक ही दिशा में अंधों की तरह दौड़ते चले जाएं या उधर की तरह बिल्कुल उठे ही नहीं, निष्कर्म में भी ना चला जाए। भगवद गीता का भी जो संकेत बाद में आता है कि ये निष्कर्म जो है, ये निष्कर्म पुरुष, और निष्कर्म से अगर आप समझेंगे कि आपको ज्ञान हो जाएगा तो नहीं होगा, और बहुत ज्यादा कर्म हो जाएंगे तो भी आप सोचेंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने आकर के आम लोगों के लिए जो एक रास्ता दिया, वो एक मध्यमा प्रतिपदा का मार्ग दिया, और मैं समझता हूँ कि उस मध्यमा इस मार्ग को, बुद्ध के मैसेज को समझने का आप सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया है, और ये एक तरह के संघ की ही बात है कि एक छोटा सा संघ एक दिन इकट्ठा अगर होता है पूर्णिमा के दिन, और वो उस पूर्णता की परिचर्चा करता है, पूर्णता के लिए करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत ही सार्थक प्रयास है, और सभी इसमें जो प्रतिभागी जो भी लोग आए हैं, विद्वान लोग, उन सभी विद्वानों का इसमें योगदान जो है बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, और किसी को भी कहीं से, सबके पास एक अपनी दृष्टि है, उस दृष्टि को पेश हो, इस संकल्प के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और प्रश्न और श्रद्धा पूर्ण प्रश्न को हमारे समक्ष लाने के लिए, और साथ ही साथ एक शब्द और मुझे ध्यान आ गया, उसका भी आज हम प्रयोग नहीं कर पाए, बोधिसत्व का, क्योंकि जातक कथाएं सारी बोधिसत्व से संबंधित हैं, तो बुद्ध से पूर्व जो बोधिसत्व के प्रयोग हैं उन पे भी कभी चर्चा करेंगे, और अविनाश जी और बाकी सब लोग उसमें सहायक होंगे निश्चित रूप से। तो अब ये समय हम परिचर्चा को पूर्ण करने का है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर कमलेश जी, जो कि कन्वीनर हैं और अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय ढांड कैथल से, कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। मैडम कमलेश, डॉक्टर कमलेश जी, लग नहीं रहा मुझे। डॉक्टर कमलेश जी अगर आप हैं तो प्लीज अनम्यूट करें अपने को। ओके नहीं, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। चलिए तो धन्यवाद ज्ञापन उनकी ओर से मैं आप सभी का करता हूं। आज की इस परिचर्चा में आप लोगों ने जिस तरह से सहयोग किया और प्रतिभागिता की है और अपना औत्सुक्य प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं सभी विभागों और सभी कॉलेजेस जो इस परिचर्चा के लिए जिन्होंने अपना सहयोग और समर्थन दिया है, उन सभी की ओर से आप सबका आभार प्रदर्शन करता हूँ, और आप सबके प्रति ये भाव अभिव्यक्त करता हूँ कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रत्येक बुद्ध की दिशा में अग्रसर हो, और निश्चित रूप से प्रत्येक बुद्ध के लिए आपके प्रश्न होना बहुत आवश्यक है, और वो प्रश्न यदि श्रद्धा से युक्त तो होंगे तो निश्चित रूप से आप प्रत्येक बुद्ध से बुद्धत्व की ओर अग्रसर हों। हाँ ये है, जरूर बीच में बोधिसत्व की तरह जीवन में प्रयोग करने बहुत आवश्यक हैं। उन पे चर्चा कभी ना कभी हम भविष्य में कर पाएंगे बोधिसत्वों पे, क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग किए हैं, गांधी ने जो सत्य के प्रयोग किए हैं वो तो बिल्कुल बहुत मतलब उसको मैं किसी उस रूप में नहीं देखता, लेकिन जो बोधिसत्व ने सत्य के प्रयोग किए हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। वस्तुतः सत्य के प्रयोग वो हैं। तो
इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के दोनों मुख्य वक्ताओं प्रोफेसर रमाकांत गांगिरस जी का, प्रोफेसर अविनाश श्रीवास्तव जी का और मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर आर के गुप्ता जी का, डॉक्टर ऋतु तलवार जी का, तृप्ता जी का, राजेंद्रा जी का, प्रोफेसर सुभाषनी जी का, डॉक्टर मधु, जिन सभी के जो लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी दोबारा हम मिलेंगे किसी ना किसी नए विषय को लेकर के। और जैसा कि क्रिटिसिज्म का एक नया विषय है आज उभर कर आया है कि इस क्रिटिसिज्म का प्रारूप क्या है, कैसे हम मूल्यांकन करें और प्रश्न का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसे प्रश्नों को हम स्थिर करें और उनका स्थिरीकरण करें, उन विषयों को हम बहुत जल्दी लेंगे। और आप सबका पुनः धन्यवाद। यदि किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज अपना फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक मैडम मीनाक्षी ने, मैडम शिखा ने शेयर किया हुआ है, तो आप लोग उसको भर सकते हैं और आप लोग संपर्क में रहें इन्हीं सब शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर अरुणा जी बहुत दिखाई दी, अरुणा चोपड़ा जी, सोनू जी आपसे काफी दिनों के बाद आपसे हमारी भेंट हुई है क्योंकि हमारे साथ कुछ समस्याएं थी, हमारी माता जी का तबियत ठीक नहीं था और उसके लेकर के मैं ऑनलाइन सेशन में कम जुड़ पा रहा था। आपके कई सारे कार्यक्रम हुए हैं और मैंने देखा भी, आपने मुझे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आपने मुझे लिंक दिया और किसी कारण बस मैं नहीं जुड़ सका, कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण, मगर